सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर को और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जैसे कि आप लोग वीडियो को देखकर ही पता चल गया होगा आपको कि ये वीडियो है अनबॉक्सिंग की। तो हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो है एक चिमनी के अनबॉक्सिंग की। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। ये देखिए आपको वीडियो में शो हो रहा है, मेरा कारपेंटर भैया जो है इसको अनबॉक्स कर रहे हैं और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आई है। इसकी पैकेजिंग से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, इससे प्रोडक्ट को कोई भी हार्म नहीं होगा। ये दोनों तरफ इसमें थर्माकोल की शीट और बीच में ये जो कार्डबोर्ड है ये लगा हुआ आया है और ये पॉलीथीन में रैप है। तो आप इसको ऑनलाइन डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप सो। ये देखिए इस तरीके से आया है और मैं इसका निकाल करके आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ इसका किस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है प्रोडक्ट को। ये देखिए इसका जो बॉक्स है, इस पर जो फीचर्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लैक पावर चिमनी है, बफल है, एलईडी लाइट हैं और इसका जो एयर फ्लो है वो 1100 मीटर पर स्क्वायर पर आवर्स का है, सॉरी। तो आप इसके बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए इसका जो व्यू है कुछ इस तरीके का है, ये साइज़ में इतनी बड़ी है और इसके बैक में ये जो आप ब्लैक कलर का सर्कल देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा जो पाइप होता है वो लग जाएगा, जिसके थ्रू बाहर जो भी फ्लेम और ये सब जो भी धुआं है गंदा और जो भी चीज़ है वो गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी उसके थ्रू और ये सारी धुएं को एग्जॉस्ट कर लेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और फ्रंट में है ये इसकी पैनलिंग इस तरीके की कुछ, और ये है ये इसके फ़िल्टर, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये इसका फिल्टर है। और मैं दिखा देती हूँ आपको बॉक्स में ये मुझे रिसीव हुआ है, एक ये मुझे प्लेट रिसीव हुई है। एक्चुअली इंस्टॉल तो यही होगी एक प्लेट स्क्रू की हेल्प से, और ये चिमनी जो है इस पर हैंग हो जाती है इस प्लेट पर। और मुझे इसमें ये दो चीज़ें रिसीव हुई हैं, एक इसकी बुकलेट है और साथ में ये एक एक्सटर्नल पाइप मिला है जिसके थ्रू हम इसको विंडो से बाहर निकाल देंगे इस पाइप को, तो धुआं जो है किचन से बाहर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कम से कम 3 से 4 मीटर तक बड़ा हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, बट मैं इसकी क्वालिटी से थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हूँ, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी डाउन है। अगर आप ज़्यादा अच्छा पाइप लगवाना चाहते हो, आपको नियर बाई कोई भी हार्डवेयर की शॉप से अच्छा ईजीली मिल जाएगा, अवेलेबल होते हैं, ये मार्केट में भी मिलते हैं ईजीली। तो देखिए ये इसका इंस्टॉलेशन है। ये देखिए इसका जो हैंग होने के बाद ये वो प्लेट कसी उन्होंने और उस पर ये चिमनी को हैंग कर दिया है, तो इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का है। फ्रेंड्स, मैंने इसको विंडो पे हैंग कराया है, कुछ लोग नॉर्मली किचन में यूज़ करते हैं। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे विंडो थी और मुझे यहाँ विंडो चाहिए भी थी, जिससे विंडो से क्या होता है ना, थोड़ी लाइट भी बाहर की और थोड़ा अच्छा व्यू मिलता है, किचन में काम करते हुए थोड़ा मन लगता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको विंडो पर ही लगाना मैंने ठीक समझा। नॉर्मली लोग विंडो पे हैंग नहीं कराते हैं इसको, मेरे किचन में था तो मैंने इसलिए मुझे यहीं यही परफेक्ट प्लेस लगा लगाने के लिए। देखिए ये इसका फ्रंट पैनल है और ये इसमें एलईडी लाइट्स हैं दो दोनों तरफ लाइट लेफ्ट एंड राइट में, और ये आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ना ये लेमिनेटेड है, ब्लू कलर की पॉलीथीन है इस पर। ये देखिए नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ इसका व्यू ऐसा है कुछ ये, और पूरा इसका ये जो है ये पॉलीथीन, ये मैंने इसके यहाँ फ़िल्टर रिमूव कर दिए हैं। एक्चुअली अभी तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट जब भी आपकी चिमनी गंदी हो जाए यूज़ करते करते तो आप इसको इजीली निकाल के आपको इसको क्लीन करना होता है। ये एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट है तो बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाती है अगर आप जल्दी जल्दी करें, बहुत ज़्यादा टाइम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। ये देखिए एक तरफ से इसको कस करना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना इसमें हुक्स हैं दो निकले हुए हैं और ये जो है इसमें फंस जाते हैं साइड से, और एक इसमें राइट हैंड पे लॉक है, मैं अभी आपको लॉक भी शो करूँगी, और उसको लॉक कर दीजिए तो आपका जो फ़िल्टर है वो फिर से लग जाएगा। ये देखिए ये फ़िल्टर को बस ऐसे घुमाना है और ये लॉक हो गया, और इसको एक बार फिर से घुमाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लगा दिया है, एक बार लगाने के बाद चेक कर लें कहीं प्लेट गिर ना जाए आपकी गैस स्टोव पर। और ये लाइट्स हैं, मैंने आपको दोनों लाइट्स ऑन करके दिखा दी, इस तरीके की हैं लेफ्ट एंड राइट में। और मैं ये इसका फ्रंट पैनल आपको दिखा देती हूँ, ये है लाइट का, यहाँ सनफ्लेम की ब्रांडिंग है, और ये है ऑन ऑफ का बटन, ये पुश बटन है सारे,
और ये जो बीच में टोटल 5 बटन हैं, बीच में जो 3 हैं ये तीनों स्पीड की हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ये लाइट का, एक ऑन ऑफ का, ये 5 बटन है इसमें। इस तरीके का व्यू है, ये देखिए सनफ्लेम की ब्रांडिंग। और मैं इसको फ्रेंड्स 5 स्टार दूंगी, इसके प्राइस को देखते हुए, इसके यूज़ को देख।